सुनो, एक आदमी रहा है, सुनो भैया, एक आदमी था, आदमी के नाम का रहा है, आदमी के नाम का था अमृत रहो नाम पतनी के गावा। एक आदमी था, आदमी का नाम था अमृत। का नाम रहा है बोल दिन करो। अच्छा पहले हम तुम सबको भगवान का नाम ले लें जाए। यो मान लिया सब जने मालूम जैसे जलाए गए हो बैठे बैठे, और सब लोग थोड़ा चेहरा स्वस्थ करो, है ना। अब आप लोगों को एक हम टेबलेट खवा दें, बढ़िया कैम्बी फिलेम, है ना, इससे दर्द चली जाए। तो सब लोग दोनों हाथ निकालिए, भगवान का भजन करो। बालाजी की महिमा या पार पार पार, अपन अपन हाथ निकार। और जो कोई भलमान हाथ निकालो के एक छप्पर मार। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। शनिचर मर जाए, ताड़ी सर पर बजाया करो तो हनुमान की कृपा शनिचर मर जाएगा, बुद्धि काम करेगी। अरे करी है नवैया बाबा, करी है नवैया, नवैया बाबा करी है। बालाजी की महिमा या पार पार, सबकी करी है नवैया। खूब कमावा तो अब मजेदार बता दे। पीहर को जाऊंगी, पति ने पत्नी को मारा, यूआई मोनो सब इंजेक्शन, है ना। पति ने पत्नी को मारा, पत्नी रोवे लगी, कहा लगी झगड़ू पप्पा मान लियो मान लियो, खूब मान लियो, तो मान लियो। पीहर को जाऊंगी तेरी कसम से, मैं कभू ना लौटाऊंगी, सच्ची सच्ची सब बातें नैहर में बताऊंगी। सासु नंद घर मारे बलम सौ नंबर चलावे।
उंगली दूर भय कि और इंजेक्शन लगाई प्रेम सोया राम से भगवान की। बहनों भाइयों आइए मैं आप थोड़ी एक कथा और बता दूं। एक आदमी था, नाम था अमृत। केवल वही बात सुनना है, राजा जनक ने राजा दशरथ को क्यों नहीं बुलाया। एक अमृत नाम का आदमी था, जा रहा था ससुराल को। और एक बात बताई, बहनी खुआ आदमी जई तो कौदार ही ना बनवाओ, पक्की बात है। बिटिया खुआ जाए तो कौ आदमी कपड़ा छटबे ना करे, चप्पल पहिरबे ना करे, क्योंकि इस जगह पर आदमी जाते थोड़ा गरीब बन के जाते। काहे बन के असना कहूँ बहनी कह दे भैया 50,000 रुपया दे दो है, और बहनी खुआ दारी ने बताई कि मारे जो कहूँ कह दे भैया हाँ सही उतनी बरामदा गिर गवाई का बनोया हम कहा करे दीदी हम दारी नहीं बना पे हम तुमका कहा दे दी ती मारे। आदमी सब कहूँ जाए गिरी क्वालिटी, लेकिन ससुराल जब जाई जूता टाप 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 ये कड़ा राशि घुआड़ा आ जा रहा है। रोड अब खड़े हो जाओ, जौन तुम ससुराल जाते हो दूर जान जे हो ससुराल बहनी खुआ जाए उरे तना, लेकिन अगर ससुराल जाते है तो विके ठाठ बाड़ को जलगट्टे हुई ए जो को तौलिया इतना डारे होए जान ले पक्के ससुराल यहाँ है। यह पक्की बात है, ससुराल जात हो ए तो हमरे जा रहे थे ससुराल को बढ़िया सूट और बूट ठाठ बाट। चलते चलते जा रहे थे तो एक गांव में, गांव के बाहर थोड़ा जंगल था, बड़ी मतलब की बात है। जा रहे थे तो एक बेचारी गैया आई थी चरे घास, गैया आई थी घास चरे। अब 7 दिन की कथम कौन भैया कथा सुना दे, कौन महीना खाड़ कथा होती तो आप लोगों का पता चल जाए कि कथा का मतलब का होता। अब 7 दिन की कथा है का बतावा जाए, क्योंकि हर जगह पर उदाहरण है, हर जगह पर कथा है, हर जगह पर महत्व है। गैया आई थी चरने और बेचारी बूढ़ गैया थी, इस गैया का नाम था कामधेन। कामधेन का मतलब समझत हो, जो बच्चा कबहू नहीं देती है और दूध सब दिन देती, इसका नाम है कामधेन। हमारे आश्रम में कामधेन गैया थी, अपने हाथ से मैंने गाय चारा खवाया है। अब तो लाइनमैन जी ने 40,00,000 रुपये घाल बनवा दिए हैं वहाँ पर। मैं अपनी उस गैया को मैंने घास खवाया, और एक बाराबंकी में भी गैया एक है भैया, बाराबंकी जिला में निंगो पास कौन का जमलिया है दुंदीपुरवा राम नरेश पाल जी के यहाँ आज भी वो गैया है, दूध सब दिन देती है, बच्चा कबहू नहीं देती है। तो गैया थी कामधेन, गैया है चरने, बेचारी कीचड़ में बुढ़ापा में जनते हो भैया, सब कहे कि बुढ़ावा भोंपा है, लेकिन सबसे कठिन बुढ़ापा है। हैं मुहिमा दांत ना बा बा करे परे हैं। अब जवान आदमी का कहा देखो कितना मुंह बनावते, तो के सब कहे कि बुढ़ावा भोंपा है, लेकिन सबसे कठिन बुढ़ापा है भैया। तो गैया है चरने बिचारी, लेकिन कीचड़ में गिर गई बिचारी, नहीं उठ पाए वह गैया, और सब गैया चली गई, वह गैया नहीं उठ पाए। अब गैया देख रही है, कोई आदमी होता, कोई देवता होता, पुरुष होता, समंदार होता, तनुक हमका धक्का दे देते और उठ ले चले जाए तो हमारो जिंदगी बच जात, और वो इसी से अमृत चले हम ससुराल। तो अब ये गैया देख ले गए अमृत के यहाँ, अमृत देख ले गए गैया के यहाँ। तो गैया ने सोचा कि हमार जुगाड़ बनेगा, अगर यो आदमी शुद्ध कहे तो धक्का लगा दिया है हम निकल जा, और अमृत का सोचे नहीं यू कीचड़ रहा है यार हमार सूट बूट ले थर जाई, तो ये सोचे हमार काम बनेगा। अब गैया तो परहित किसको कहते, गल्ली गल्ली जा रहे हो कांटा के झाल परी है देखो, अरे ओ कांटा के झाल हुआ पहुंचा दो जहां पडारे वाली हो झाल झाल। कहले कहते हैं कृपया कूड़ा कूड़े दान हम डारो है ना, तो वह झाल उठा कांटम डार दो क्यों है परहित। बहुत आदमी देखे हो अपना निकल के आहा हम तो निकल गए, अपना निकल के झाल हो इतना फिर सुधार दे कहने और पीछे तुम मजा लिए हुए है ना। पर ईका कहते हैं यू सोचो कि हमारे कांटा नहीं लाग तो हमारे कोई और भाई निकले वो केरे कांटा ना लागे है ना, इसको परहित कहते हैं। हे भैया अमृत हंस रहे तो गैया को रोस आ गया। एक बात बता दें, चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो चाहे बुजुर्ग हो कोई हो, दिल से अगर कोई आत्मा से लग गया लड़की ए माँ का श्राप बेटे पर नहीं लगता, बेटे का श्राप माँ पर लगता है। लड़का अगर कह दे अम्मा मर जाओ तो अम्मा मर भी जा सकती,
श्राप लग जाएगा, लेकिन अम्मा दिन भर लड़का गरियाओं में श्राप नहीं लगता है। काउका है, कभी आएंगे तो सुनाएंगे क्यों श्राप नहीं लगता है। गैया अमृत को देखा इतना घमंडी, गैया कहने की जाओ अमृत तुम हमार नहीं दुख देखो, अरे कम से कम नहीं निकारे रहो तो कम से कम हमरे ऊपर लाते धरी कहीं ना निकरे हो तू, जाओ अमृत हम तुमका श्राप दी, जौनी नारी के चक्कर में तुम प्रेम में यहाँ डूबत जा रहे हो और गावत जा रहे हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, ला 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 ला। जाओ अमृत जौनी नारी चक्कर में प्रेम में तुम जा रहे हो, मैं तुमको श्राप देती हूँ। अरे जई सही नारी के दर्शन करी हो, श्राप देती हूँ कि जैसे अपनी स्त्री के दर्शन करोगे वैसे तुम गधा हो जी हो। अमृत अब सोचे लागे, लेकिन भैया निकरी बोली और निकरी बंदोबस्त गोली वापस नहीं हो सकती। अमृत बिचारे सोचा सोचा संजक पहुंचे ससुराल में, सबसे आदर करने वाली सास, जब सास वो आदर किया बैठ तो रोवे लागा अमृत, कहा लगा अम्मा यू नहीं बता रही कि हम मतलब लात धर के निकरे रहन, कहा लगा अम्मा ऐतरा तो गली में या गैया कहा लाग कि तुम गधा हो जी हो, यू नहीं बताने कि मेहरू को देखो तब गधा हो है नहीं, यू नहीं बताने कहा लागे कहा लागे और हम हमारे दद्दू है नहीं कहा कहा यू नहीं बते कहा कहा लाग कहे 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 गधा कहे तुमका कहीं समृद्ध हो गई गधा हो जी हो, पूरी बात नहीं बताई छिपा ले। तो कहा लगे भैया वह गैया ऐसे का कहत रहा गधा हो जी हो, कहने हाँ वह ऐसे कहत रहा है। कहा लगे अब चिंता तो हो गए कि भाई गैया किरबाणी गौ परमेश्वरी हैं और गैयन का सम्मान आज नहीं रहेगा हो, गैया हमारे भगवान गैया चराते थे जमुना जी के किनारे, ए कहत रहा भैंस कोई भवान है और गैया से ने कोई गवा नहीं, और आज जमाने में कहने गैया से ने कोई भवान है भैंस कोई गवा नहीं, भाई चाहे जत्ती बूढ़ हो 20,000 बिकी जरूर, अब गैया देखा हो पहले कितना मारी मारी घूमती सब करे जो खाए, जो गेट खुला रह जा तो पार के उठा ले जे रसिया रामचंद्र भगवान की है ना भैया, जबाना पलट गवा जबाना बल्द गवा है। तो ये कहा मतलब यू है, तो अब सास कहे खराब तो लाग की गई श्रापा जाखो भाई लाग ना जाए, लेकिन चल जो मुँह कह दिया तो चिंता हो जी, अरे हो भैया ये गैया बचिया है तो मुँह ही बछाड़ा बछाने को चक्कर पड़ हुई, तो अब खाना खाएं लेकिन कम खाएं चिंता है बनी। खैर अब दरवाजा हो गए बंद, जब दरवाजा बंद हो गए तो अमृत लेटे घर के ई पर मुहरे के रे और अमृत के रे अमृताइन लेटी घर के वही पर पल्ला के रे वही पार हुई और ई पार ही ना अमृत स्वामे ई पार ना अमृताइन स्वामे वे पार नवे नवा बिहाव भरा है हैं, तो फोन ऑन होते तो बातें हो जाती लेकिन धीरे बात हो नहीं पाता है फोन ऑन तब रहा है नहीं, तो अब वही लेटी वही पार ही लेटे ही पार और स्वामी अक्का जने नहीं अपने अपने जुगाड़ सब जने अपने अपने मर्यादा बचावे खातिर, अमृत सोचे जो सो जाब तो अम्मा जो जाबे तो पूछिए बहुरिया कहाँ हाल है कैसे है, बहुरिया भला मोटान है कि भला तगड़ियान है कि झोरा छोहारा हो गए कैसे का है, तो अमृत सोचे मुलाकात हो जाते तो बतावत बंद के हाँ दोबरानी नहीं है और मोटानी है और अब ठीक ठाक रहते हैं, तो ये सोचे यहाँ मुलाकात हो जाते। अब ये सोचे बिचारी कि जो अगर मुलाकात नहीं करब तो ये जब घर का इनके जावे तो ठियावा दे आए कहे पैदल गेरा दौड़ते हफ्फत तुमने खाते हैं तुलसी बाबा तन नदी फांदे गेरा और तनको तुम कल तनको तुमका वो नहीं आवा कि तन मुलाकात करी है तुमका तनको वो नहीं लाए, तो ये सोचा यहाँ मुलाकात कर ले लेकिन मुलाकात करब कब जब अम्मा सो जी है तब, तो ये रात में जब सब सोनाहटा पड़ेगा तो ये अमृत तो इतना बैठ रहा करे घुटुरुआ कर घुगुआ मारे, तो ये रात में यहाँ गई तो चुप्पे से ने दरवाजा
खोल लीन जाए तो ये को पल्ला खोल ली तो लखपत उठ के बैठ गया, कहीं आएगा भूकंप है। तो अब तो अमृत पत्नी लड़की ने क्या किया, चुप्पे से वहा पल्ला खोलिन, कुछ मट्टी तेल नाएगा रहे तो वह चरचरा ज्यादा रहे। तो जैसे उठ के बैठ ए जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जो बात चुप रहेगी मगर बात होगी, से अमृत देखा लड़की को, लड़की ने देखा अमृत जी को, गई श्राप रहवे करे भैया। जैसे नारी के दर्शन भए हो, जैसे नारी के दर्शन भए हो, तैसे मनुज से गदहा बने हो, शरीर काया बदल गए भैया, खटिया पर बन के गधा, बड़े बड़े सूप कस कान हलावे लाग, जब कान हलावे लाग तो लड़की डर गए, तो एकदम परी चिल्लाए अम्मा अम्मा अम्मा, दौरी काय गए का होएगा अम्मा, खटिया पर गधा बैठ, खटिया पर गधा बैठ, खटिया पर गधा हो बैठ, खटिया पर गधा हो बैठ। मम्मी तुरंत जान गए कि कोई बात नहीं रहा है दमा दुई, लेकिन गैया क्या श्राप सत्य होगा। लड़की रोवे लाग भैया, अब मम्मी कह लगी बिटिया रोआ ना, अब ही ज्यादा कुन नहीं बिगड़ा है क्योंकि पुरनका बटुआ दे रहा नवक्का धरा है, और तुम लक्ष्मी आओ ना, तुम्हारा ना हो उड़ते हैं, यू मरीगा द्वा सरते ही का कहते हैं उड़ते हैं, रोआ ना भैया द्वा सर कह दिया हो जाए, दियो को जाए भट्टा पर ईटा ढोवे जाए है नहीं। देखो हमारे आपके जीवन के साथी हैं चार, कौन, धीरज, धर्म, मित्र, नारी। इस चारों के परीक्षा करियो कब, आपतकाल परखिए चारी, चार जनक परीक्षा करो कब, जब संकट पड़े तब, जो कोई ठाड़ हो वाय सबका दोस्त, दुखमा भैया सबको सहारा दे। ए लड़की ने जब देखा तो सोचा ये मेरी मैया तो बड़ी स्वार्थी, लड़की बोली ए माँ यू बताओ क्या बात है, कहा लगी तब बताया मम्मी ने, कहा बिटिया रहा है दमांदू ठीक ठाक रहा है, लेकिन इनके ऊपर गैया क्या श्राप लागी बताई, पूरी बात नहीं लिखी है घोर मुट्टी गई संग भैया, लेकिन बताए नहीं। तो लड़की बोली माँ अभी इनके ना रहेगा धीरज गदहा करे, कौन धीरज हो बताओ, इनके ना बचा धीरज धर्म हो तो गदहा काहे बनती, इनका कोई दोस्त हो, इनका दोस्त कोई नहीं, इनका खाली भट्टा मालिक ले जी बस, वाह दोस्त समझो चाहे को समझो, तो ना इनका धीरज है ना धर्म ना मित्र है, अब इनके बचन खाली हम। तो अब नारी का धर्म का है कि संकट परे तो पति के साथ, सुख परे तो पति के साथ, वह है नारी, वो है ग्रह लक्ष्मी। तो मैया इनके ऊपर गैया क्या श्राप लाग है, तो कौन श्राप कटाई के जगह हुई, अपने पति को जिंदा करूंगी, ए अपने गधा बने पति को ले लिया भैया। और लड़की घूमने लगी दुनिया के आश्रम, संत आश्रम में सब कहीं जाती है बहनों, लेकिन कहीं पर कुछ ना मिला। एक बाबा जी जंगल के किनारे हो, रामा कुटिया में बैठे त्यागी, बाबा जो हरि के गोड़ गाँव में, हरि के गोड़ गाँव में हो, के
डिंग आई अर त्यागी डिंग आई देंगे। साधु का काम है रास्ता बता देना। बिटिया यहां से चली जाओ। बिटिया अवधपुरी के राजा दशरथ नरेश का हवे नरेश का हवा नरेश कहते हैं। नरेश का मतलब जो बहुत रानियों के राजा हैं। नरेश नारी बिटिया एक रानी राजा दशरथ के महल मा रहली महल बीच रहली हो नारी है। और राजा अशुपति की बिटिया जो कश्मीर में रहने वाली थी। अगर कैकेयी रानी तुम्हारे गधा बने पति पर जल छोड़ देगी तो उसके हाथ में इतना जस है। बिटिया शोध काया होवे सैया की मानो तन पहेयर फिर से बनी तुम पर मरे गए ही यहाँ पर टाड़ी रोबो गधा के ढींग रोबाओ लड़की कलगी राजन दया हो जा महाराज। महात्मा ने कहा है कि तुम्हारी रानी कैकेयी अगर मेरे गधा बने पति पर जल छोड़ देगी तो मेरे पिया की काया शुद्ध हो जाएगी। महाराज राजा तुम हो पिता मोरे लागो यार पर जा कहिया देखो यार बिटिया कहिया निरखाओ महाराज। हम तुम्हारी बिटिया मान लो चाहे बहू मान लो। और महाराज राजा पति के आगे पत्नी भागी तो भागी बन के डोले या भागी बन के रख ली हो दाया दृष्टि मोरे सैया को शुद्ध तनुका रावो ये जल डर वावो काया को मिटे बाबा हो
बिरले मिले हैं यार त्यागी ऐसी कोई हाय हो भगवान की। बाबा ने बताया बिटिया राजा दशरथ की रानी कैकेयी अगर तुम्हारे पति के ऊपर गदहा बने पति पर जल छोड़ देगी तेरा पति सही हो जाएगा। भैया बहनों कैकेयी किन दरवाजे पर लेकर रानी अपने गदहा बने पति को पहुंची। राजा दशरथ से विनती कहा महाराज तुम मेरे बाप हो मैं तुम्हारी बहू। बहनों भाइयों उस समय कैकेयी के सामने दशरथ गए सलाह ले। कैकेयी ने डांटा राजन राजा के लिए प्रजा होती पुत्र के समान और जिस राजा के राज में प्रजा दुखी होती है जास राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नपघोर नरक अधिकारी। तुरंत कैकेयी क्षण में क्या करती है वारे रानी कैकेयी वो अपनी दे अपने को नहीं देखा कि मैं रानी हूं गधा को नहाऊं सभा क्या देखेगी। रानी कैकेयी उठाया घड़ा और जाकर के भैया वो दुखियारी के पति के गधा बने पति पर जल से जल छोड़ा। तुरंत क्या हुआ वो गधा पता पति बना गायब हो गया और स्वयं सुंदर स्वरूप मानव पा गया। बोलो सिया रामचंद्र भगवान की। जब सुंदर शरीर पा गया भैया पूरे द्यास मांग लाग गए पूरी दुनिया मांग लाग गए कि वार राजा दशरथ वार तुम्हार रानी बताओ गधा कहीं आदमी बना दे तो डॉक्टर बहुत बड़ी है भैया अब तो बहुत बड़ा डॉक्टर है भैया ऐसा अयोध्या में।